पे फिलहाल मैं सिक्किम की जो है स्टॉल पर अवेलेबल हूँ। आपको यहाँ पर हैंड से बने हुए बैग्स से लेकर जर्सी और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हैंड बैग्स और बच्चों के छोटे छोटे जो ये कान के होते हैं ये भी, इसके साथ शॉल भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे हैं। तो आइए जानते हैं स्टॉल ओनर से कि जो उनकी सेल्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है सूरज कुंड में आने के बाद, कैसी उनकी सेल्स रही है और कैसा सूरज कुंड मेला ने जो अथॉरिटी है उन्हें क्या क्या उन्हें प्रोवाइड किया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ कुणाल भाटी। जैसा कि मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की जो है वो स्टॉल्स पर लेके जा रहा हूं और बता रहा हूं कि क्योंकि अब जो है सूरजकुंड मेला खत्म होने की तादाद पर है तो क्या उनकी सेल्स बढ़ी है या कम हुई है, सूरजकुंड में आने का उनकी सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि इन स्टॉल्स पर क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं सहयोग से कहूंगा एक बार स्टॉल की तरफ किस कैमरे को घुमाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बहुत सारी जो है चीज़ें वेराइटी आपको मिलने वाली है। अभी फिलहाल मैं सिक्किम की जो है स्टॉल पर अवेलेबल हूँ। आपको यहाँ पर हैंड से बने हुए बैग्स से लेकर जर्सी और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हैंड बैग्स और बच्चों के छोटे छोटे जो ये कान के होते हैं ये भी, इसके साथ शॉल भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे हैं। तो आइए जानते हैं स्टॉल ओनर से कि जो उनकी सेल्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है सूरज कुंड में आने के बाद, कैसी उनकी सेल्स रही है और कैसा सूरज कुंड मेला ने जो अथॉरिटी है उन्हें क्या क्या उन्हें प्रोवाइड किया है। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से आए? सिक्किम से। आपके स्टॉल पर जो है क्या क्या चीजें जो अवेलेबल है? हमारे पास से वो जेंट्स वॉलेट है ऐसा वाला और लेडीज वॉलेट भी मिलता है। इसका प्राइस है 150 और ये इसका भी 150 है। और लेडीज बैग मिलता है और जेंट्स बैग है, ये साइड बैग मिलता है और जो शॉपिंग बैग है ये भी मिलता है शॉपिंग बैग और स्लिम बैग ऐसा छोटे वाला स्लिम बैग है ऐसे वाला जेंट्स वाला और लेडीज वाला। ये हमारा सिक्किम का प्राउडली ट्रेडिशनल है, ये सब मिलता है। और मोबाइल्स कवर हम खुद ही हाथ से बनाते हैं। तो मैम सूरज कुंड में आने के बाद जो है वो आपकी सेल्स पर क्या इफेक्ट है, सेल्स बढ़ी है या फिर कम हो गई है? सेल्स तो ठीक है, लिमिटेड चल रहा है क्योंकि इधर सिक्किम का जो स्टॉल भी बहुत ज़्यादा है तो ठीक ही चल रहा है। तो सूरज कुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड हुई है वो सारी जो सर्विसेज आपको चाहिए थी वो सारी मिली है? सभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया, सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड हुई है। सेल्स पर आप ये जो वर्क है वो कितने समय से कर रहे हैं? ये तो बहुत साल से कर रहे हैं। फिर भी एक अंदाजा अगर ऐसा 17-18 वर्ष हुआ, 17-18 साल से आप कर रहे हैं, तो पहले आपको कोई मुश्किल आई थी इस काम को शुरू करने में? वो तो ऐसा प्रॉब्लम तो होता है पहला जो पहला करने से तो अच्छा से हमको नॉलेज नहीं होता है, तो जब करते जाते हैं तभी यह सामान कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे डिजाइन करना है। इसीलिए हम ये जितना सामान बनाया, ये जो हम ये शॉपिंग बैग बनाइए सब हमारा जो अपने डिजाइन से बनाया, खुद ही आप डिजाइन करके बनाते हैं, खुद ही डिजाइन करके बनाए। मैं आपके पीछे देख रहा हूँ शॉल्स भी हैं, तो ये भी आपने खुद ही बनाए हैं या फिर किसी और से बनवाए? ये हमारा जो प्राइवेट मेला होता है, जब हम प्राइवेट मेला में बैठते हैं तभी ऐसा सामान हम डालते हैं खुद ही। जो हमारा पेयरली हमारा हैंडलूम का प्रोग्राम होता है तो कम्प्लीट हम हैंडलूम यूज करते हैं, कम्प्लीट हैंडलूम जो आप यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं। मिक्स सामान हम नहीं रखते। अच्छा, मिक्स जो आप ये वाला है ये सभी हम बनाते हैं, बेबी का, बेबी फ्रॉक, बेबी पंजू, ये क्रोशे का बनता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमें अभी बताया गया है मैम के द्वारा कि जो सूरज कुंड में आने के बाद उनकी सेल्स जो है वो बढ़ी हैं। यहाँ पर जो आप सामान देख रहे हैं वो सारा हैंडलूम का मिल जाएगा, लेडीज पर्स से लेकर आपको शॉपिंग बैग तक यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैरायटी की कमी आपके पास नहीं होने वाली क्योंकि हर तरीके की जो वैरायटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ज़रूर आए सूरज कुंड मेले में। स्टॉल नंबर हम आपको बता देते हैं, स्टॉल नंबर 266 स्टॉल नंबर ये है और ये सिक्किम का स्टॉल है। तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और शॉपिंग करें क्योंकि अब कुछ ही दिन मेले के बाकी हैं, तो ज़रूर जल्दी जल्दी आएँ और यहाँ से शॉपिंग करके बहुत सारा सामान जो है ले जाएँ। अच्छा है और ना, अगली बार हमें मौका मिलेगा तो और अच्छा रहेगा, और अगली बार भी चांसेस के लिए हम लोग बोल रहे हैं, हमें मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर आएंगे। हम जो थ्रू से काम करते हैं ना वो लोग का तो ऑलरेडी दुकान मिलना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा पहला हमको प्रोवाइड करना चाहिए, इसीलिए हम सेटिस्फाई होता है ना, क्योंकि हम इतना सामान बना के घर में रखने से हमारा लॉस्ट होता है। तो दूसरे का दुकान देने से पहला जो हैंडलूम का ऑलरेडी काम करता है, जो ऑथेंटिक सामान देता है, वो लोग का दुकान चाहिए, तो दूसरा साल भी हमको ऐसा दुकान मिलना चाहिए।
तो अभी देखिए उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर अगले साल भी उन्हें मौका दिया जाएगा तो वह यहाँ ज़रूर आएंगे। उनका ये कहना है कि उन्हें आश्वासन है कि जो सेल्स इस बार हुई हैं वो पिछले बार के इस साल के मुकाबले अगर अगली बार स्टॉल मिलेगा तो वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी वो सेल्स। तो इनका हौसला आप भी अफजाई करें, ज़रूर आए। स्टॉल नंबर 266 पर सिक्किम के स्टॉल है, कुछ दिन बाकी बचे हैं। तो आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद, मैं आपके साथ कुणाल भाटी, कैमरा पर्सन सिमरन के साथ।